Zankush from SSS, and once again I welcome you all in the lecture series of economics. In fact, we are going to do MCQs on the economy topic in as far as your JKPSI एग्जाम इज़ कंसर्न्ड. ठीक है, जो भी जे के पी एस आई एग्जाम में आपके इकोनॉमिक्स को लेके जो भी टॉपिक्स हैं उसके एम सी क्यूज़ हम करेंगे. ठीक है, एक सीरीज़ जो है मैं चलाऊँगी जिसमें हम एम सी क्यूज़ सारे एक एक करके सभी टॉपिक्स के हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आई हैव कम अप विद द एम सी क्यूज़ ऑन पॉवर्टी. पॉवर्टी जो है, जब मैंने ये लेक्चर्स पढ़ाए थे तब भी मैंने पॉवर्टी जो है फर्स्ट लेक्चर था विच आई टॉट. ठीक है, तो अभी जो है हम पॉवर्टी से स्टार्ट करते हैं इसके एम सी क्यूज़. तो एक एक करके हम सभी जो भी टॉपिक्स है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो पहले हम आज पॉवर्टी को डिस्कस करते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है या कितने एमसीक्यूज आप सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ओके, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर वन. सो क्वेश्चन नंबर वन सेज दोज हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी आर कॉल्ड. ठीक है, अगर आप देखिए आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी तो ये आपकी रिविजन होगी, और दोज हु हैव ऑलरेडी डन, मे बी आपका अगर सिलेबस कंप्लीट है तो आप ये जो क्वेश्चन है उनको मार्क कर सकते हैं. ठीक है, तो दोज हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी आर कॉल्ड. कौन से ऐसे पुअर होते हैं जो कि इन और आउट ऑफ पॉवर्टी जो मूव करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, चर्निंग पुअर उनको कहते हैं. ये मैं अपने लेक्चर में ऑलरेडी करवा भी चुकी हूँ. उनको क्या कहते हैं हम? चर्निंग पुअर. ठीक है, देखो बेटा चर्निंग पुअर क्या होता है? चर्निंग पुअर वो हैं जो कभी पॉवर्टी में आते हैं और कभी पॉवर्टी से निकल भी जाते हैं. दोज हु मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी उनको चर्निंग पुअर कहते हैं. ठीक है, क्रॉनिकली पुअर किसे कहते हैं? क्रॉनिक, नाम से आप समझ सकते हैं. क्रॉनिक मतलब जो कंसिस्टेंटली होता रहे. ठीक है, तो विच आर एक्चुअली ऑलवेज, राइट, विच आर ऑलवेज पुअर. दोज हु आर ऑलवेज पुअर दे आर कॉल्ड क्रॉनिकली पुअर. ठीक है, चर्निंग पुअर का आपका मतलब समझ आ गया, जो कभी पॉवर्टी में इन और आउट होते रहते हैं. ठीक है, ओकेजनली पुअर की अगर मैं बात करूँ, ओकेजनली पुअर मतलब जो कभी कभी पुअर होते हैं, ओकेजन पे, किसी ओकेजन पे. ठीक है, कभी कभी मतलब ड्यू टू बैड लक और समथिंग लाइक दैट. तो वो जो पुअर पॉवर्टी जो आती है दैट इज ओकेजनली पुअर. और नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास नॉन पुअर की भी है. ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर. ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर है, इसमें से कौन सा ऐसा मेजर है जिससे हम पॉवर्टी को डिटर्मिन कर सकते हैं, राइट, इसमें से जिसमें हम पॉवर्टी को डिटर्मिन कर सकते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू इज, द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू इज डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो हेड काउंट रेशियो जो है इससे भी हम पॉवर्टी को डिटर्मिन कर सकते हैं, सेन इंडेक्स से भी हम पॉवर्टी को डिटर्मिन कर सकते हैं, पॉवर्टी गैप इंडेक्स से भी हम जो है पॉवर्टी को डिटरमिन कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, देखो बेटा अगर मैं हेड काउंट रेशियो की बात करूँ ना, सो व्हाट इज हेड काउंट रेशियो? हेड काउंट रेशियो क्या होती है? हेड काउंट रेशियो होती है पॉपुलेशन की परसेंटेज या फिर पॉपुलेशन की का ऐसा प्रपोर्शन जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहता हो. ठीक है, पॉपुलेशन की परसेंटेज या पॉपुलेशन का ऐसा प्रपोर्शन जो कि एग्जिस्ट करता है या जो रहता है पॉवर्टी के बिलो, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो रहता है उसको क्या कहा जाता है? उसको हेड काउंट रेशियो कहा जाता है. ठीक है, और सेन इंडेक्स जो है, अगर मैं सेन इंडेक्स की बात करूँ, सेन इंडेक्स जो है ये अमृत्य सेन, जो इनको एक की नोबेल प्राइज भी जो इकोनॉमिक्स में उनको मिल चुका है. ठीक है, अमृत्य सेन जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपने ही नाम से सेन इंडेक्स जो है वो बनाया है. ठीक है, तो अगर कहीं आपको आ जाता है कि अमृत्य सेन जो है उन्होंने जो इकोनॉमिस्ट थे, इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कौन सा इंडेक्स बनाया है, तो उन्होंने सेन इंडेक्स बनाया अपने ही नाम से. ठीक है, और पॉवर्टी गैप इंडेक्स ये भी जो है इट इज ऑल्सो वन ऑफ दी पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर राइट हियर, राइट. तो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू बिकम्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, हेड काउंट रेशियो का आपका समझ आ गया, मतलब क्या होता है? हेड काउंट रेशियो होती है वो पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन की परसेंटेज या पॉपुलेशन का प्रपोर्शन जो कि पॉवर्टी लाइन से बिलो रहता है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर थ्री सेज व्हेन वाज द टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड वॉज फॉर्म्ड. ठीक है, हमने बताना है, ईयर देना है, टास्क फोर्स जो है प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंजप्शन की ये कब, ये टास्क फोर्स बनी थी. ठीक है, तो ये बनी थी 1979 में. तो बी जो है वो आंसर इसका है. ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर 1979 में. देखो अगर मैं पॉवर्टी की बात करूँ ना बेटा, पॉवर्टी जो है राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स चले गए 1947 में हमें इंडिया को छोड़ के. ठीक है, और इंडिया में उस टाइम पे क्या थी? पॉवर्टी थी. ब्रिटिशर्स ने अच्छे से एक्सप्लॉइट किया इंडिया की पूरी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ रही है, दादाभाई नौरोजी दे चुके हैं, सारी वेल्थ यहाँ से ड्रेन करके चले गए हम इंडियंस को लाचार और पुअर छोड़ के. ठीक है, तो काफ़ी, तो सबसे बड़ा जो आप कह सकते हो कि एक मतलब स्ट्रगल जो इंडिया ने देखी, ठीक है,
सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडियन गवर्नमेंट के सामने था, जो इंडियंस के सामने था, दैट वॉज कि पॉवर्टी को जो है वो हमें एड्रेस करना था, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, तो तब से ही पॉवर्टी को वो एक चैलेंज देखता है इकोनॉमी के लिए, और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, फॉर एवरी कंट्री द बिगेस्ट चैलेंज इज टू डील विद द पॉवर्टी, ठीक है, टू डील विद द पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है वो सबके साथ जो है लिंक्ड है, वो हंगर के साथ लिंक्ड है, वो एजुकेशन के साथ लिंक्ड है, वो हमारी लाइफ स्टाइल के साथ लिंक्ड है, सो हर चीज़ के साथ इंटरलिंक्ड है, राइट। तो पॉवर्टी के साथ डील करना, ओके। अब क्या हुआ, देखो जब ये पॉवर्टी की जब मैं बात करूँ, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जैसे मैंने आपको कहा, तो सबसे पहला स्टेप आप कह सकते हो 1962 में आया था, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है ये आया था 1962 में पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए। 1962 में प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप बनाया था। क्या बनाया था, ये मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ कि सबसे पहले 1962 में एक स्टडी ग्रुप बनाया था प्लानिंग कमीशन ने, ठीक है। फिर 19 उसके बाद जो सेकेंड स्टेप था वो ये बना, ये जो बना, ये जो टास्क फोर्स बनी 1979 में, बी ऑप्शन है इसका, मैंने पहले जैसे बताया, ये टास्क फोर्स बनी ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजप्शन, ये बनी। उसके बाद 1989 में उसके बाद फिर 2005 में एक्सपर्ट ग्रुप बने। क्या बने, एक्सपर्ट ग्रुप बने, ठीक है, जिसमें जो पुअर हैं उनको कैटेगराइज कर दिया गया इनटू पुअर एंड नॉन पुअर। तो ये टाइम टू टाइम पे अलग अलग ग्रुप्स बनाए गवर्नमेंट ने, ठीक है, अलग अलग पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए, राइट, ओके। सो इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विच इज 1979, ओके। कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेज इन 2011-12 पॉवर्टी लाइन वॉज डिफाइंड वर्थ इतने एज कंजप्शन पर पर्सन अ मंथ फॉर रूरल एरियाज एंड इतने फॉर अर्बन एरियाज, ठीक है। हमें बताना है 2011-12 की ये जो पॉवर्टी लाइन डिफाइन हुई थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो 2011-12 में ये जो पॉवर्टी लाइन जो डिफाइन की गई थी ना, ये एक्चुअली दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, ठीक है। इसमें हमें बताना है क्या हुआ कि एक पॉवर्टी लाइन खींची गई जिसके अकॉर्डिंगली ये बताया गया कि कितना कंजप्शन पर पर्सन करेंगे रूरल एरियाज में और कितना कंजप्शन पर पर्सन होगा अर्बन एरियाज में। तो इसको पॉवर्टी लाइन, एज अ पॉवर्टी लाइन डिफाइन किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहले बता देती हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए, रुपीज 816 एंड रुपीज 1000, 816 एंड रुपीज 1000, ठीक है। तो रुपीज 816 कहा गया, अगर रुपीज 800 पर मतलब 816 जो है ये रूरल एरियाज के लिए रखा गया और 1000 रुपीज रखा गया अर्बन एरियाज के लिए। तो आपको पता ही, अर्बन एरियाज के लिए ज्यादा क्यों रखा गया, क्योंकि अर्बन एरियाज में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा होती है, रूरल एरियाज में कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज के कम होती है, ठीक है। तो ये डिफाइन किया गया कि 816 रुपए अगर एक महीने के, वन मंथ है ये, पर मंथ है याद रखना, अगर पर मंथ 816 रुपीज जो है रूरल एरियाज में कोई इंसान कमाता है इंडिविजुअल, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा कि वो पुअर नहीं है। और सिमिलरली अर्बन एरियाज के लिए कहा गया कि रुपीज 1000, एक बेंचमार्क रखा गया, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट रखा गया कि रुपीज 1000 से अबव जो इंसान एक कमा रहा है, इंडिविजुअल कमा रहा है पर मंथ अर्बन एरियाज में, तो वो पुअर नहीं है, और 1000 से बिलो कोई कमा रहा है तो वो पुअर है। वैसे रूरल एरियाज में रखा गया, रुपीज 816 से अबव कोई कमा रहा है रूरल एरियाज में तो वो पुअर नहीं है, और अगर बिलो कोई कमा रहा है, रुपीज 816 के बिलो कोई रूरल एरियाज में कमा रहा है तो वो क्या है, तो वो पुअर है, ठीक है। ये पॉवर्टी लाइन कब ये ड्रॉ की गई, ये पॉवर्टी लाइन कब डिफाइन की गई, दिस पॉवर्टी लाइन वॉज डिफाइंड इन द ईयर 2011 and 12, ठीक है। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। लेटर ऑन उसको फिर कैलोरीज के ऊपर बेस्ड भी रखा गया, वो आगे मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 सेज Who conducts the periodical sample survey for estimating the poverty line in India? अच्छा, अगर poverty line estimate करनी है या poverty estimate करनी है, तो India में कौन सी organization responsible है इस survey के लिए, ठीक है? So the right answer for this question is option number B, which is National Sample Survey Organization. So B is the right answer, NSSO, ठीक है? National Sample Survey Organization, okay? याद रहेगा? चलिए, okay. Next is question number 6. Question number 6 says, which of the following is not a major reason फॉर द लैक ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, ठीक है। ये जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलते हैं, इसकी इफेक्टिवनेस अगर कम है, इसकी इफेक्टिवनेस अगर कहीं लैक हो रही है, तो इसमें से आपने बताना है कौन सा मेजर रीजन नहीं है उसकी इफेक्टिवनेस को कम करने के लिए, ठीक है। तो लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, लैक ऑफ राइट टारगेटिंग, ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, सो दिस इज ऑल ऑफ दिस, डी, ओके। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या कहा गया, इसमें से बताना था कि कौन सा मेजर रीजन नहीं है फॉर द लैक ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, ठीक है। तो लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, लैक ऑफ राइट टारगेटिंग, ये भी है, ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, ये भी है, सो डी इज द राइट आंसर विच इज ऑल ऑफ दिस, ओके। ये सारे ही जो है ये रीजन नहीं है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 सेज,
the calorie required in rural areas is higher because, ठीक है, rural areas में जो calories required हैं, okay, वो ज्यादा हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये क्या है calories requirement, मैं आपको बताती हूँ. जैसे मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया, एक पॉवर्टी लाइन जो है वो डिफाइन की 2011-12 में, जिसमें रुपीज 816 रखा गया रूरल एरियाज के लिए और ₹1000 रखा गया क्राइटेरिया पॉवर्टी लाइन डिफाइन करने का अर्बन एरियाज के लिए. ठीक है, ये तो हो गया इनकम के हिसाब से. अब एक रखा गया कैलोरीज के हिसाब से. ठीक है, अगर मैं कैलोरीज के हिसाब से बात करूं तो ये एस्टिमेट लगाया गया कि जिनको, मतलब कि अगर मैं रूरल एरियाज की बात करूं तो रूरल एरियाज में पर डे की कैलोरी है, ये क्या है, पर डे की कैलोरी. अगर पर डे कोई कंज्यूम कर रहा है 2400 कैलोरीज, ठीक है, 2400 कैलोरीज रखा गया, तो ये क्या है, दिस इज फॉर दी रूरल एरियाज, और 2100 कैलोरीज जो है वो रखा गया फॉर अर्बन एरियाज. ओके, ठीक है. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पे कैलोरी कंजप्शन ज्यादा है देन अर्बन एरियाज. ऐसा क्यों, ठीक है, कि हायर कंजप्शन ऑफ कैलोरी एरियाज इन रूरल एरियाज, ऐसा क्यों रखा गया, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज पीपल आर एंगेज्ड इन फिजिकल लेबर. क्योंकि जो रूरल एरियाज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो लोग हैं वो फिजिकल लेबर में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं. ठीक है, तो दैट्स वाई कैलोरी कंजप्शन फॉर रूरल एरियाज इज मोर देन अर्बन एरियाज. ओके, ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 8 सेज द मोस्ट वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स फॉर पॉवर्टी आर. ठीक है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स जो हैं, मतलब पॉवर्टी जहाँ पे सबसे इजिली आप कह सकते हो, जहाँ पे आपको मिल जाएगी, जहाँ पे पॉवर्टी जो है वो ऐसा ग्रुप जहाँ पे पॉवर्टी के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, वो ग्रुप कौन सा है? सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विच इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये आपने याद रखना है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू रिमूव पॉवर्टी. इनमें से कौन सा मेजर नहीं है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए? अगर कम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी, तो ये तो मेजर है, हमें तो कम्बैट करना है पॉवर्टी को, पॉवर्टी के साथ लड़ना है जीडीपी के थ्रू. पॉवर्टी को कम्बैट करना है थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर. कम्बैटिंग पॉवर्टी फॉर इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर. सो आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, दिस इज नॉट अ मेजर टू रिमूव पॉवर्टी. इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ पॉवर्टी. This is one of the reasons of poverty. Okay, so D is the right answer for question number 9, which is outdated social institutions. Okay. Coming up on to question number 10, Dadabhai Naoruji was the first to discuss the concept of poverty line in India. Yes. So which of the following did he use to define the poverty line? Okay. So Dadabhai Naoruji ne kya kiya? Poverty line ko define kiya. Dadabhai Naoruji ne drain of wealth theory di, right? So Dadabhai Naoruji ne poverty line sabse pehle India mein define ki. Aur unhone kis basis ke upar? किस बेसिस के ऊपर ये पॉवर्टी लाइन डिफाइन की थी? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, व्हिच इज मेन्यू ऑफ अ प्रिजनर. ठीक है, तो दादाभाई नौरोजी ने बेसिकली क्या कहा कि ये जो एक प्रिजनर है, जो वो मिनिमम मील जो है वो खाता है, ओके, और अगर कोई ऐसा हाउस होल्ड है जो उस प्रिजनर के जितना भी नहीं खा पाता, तो ऑब्वियसली ही इज पुअर. तो उसने क्या किया दादाभाई नौरोजी ने, वो कैलोरीज डिफाइन किया कि कितने कैलोरीज का खाना जो है जेल में खाया जाता है. तो बेसिकली उसने देखा कि जेल में जो खाना खाया जाता है, जो प्रिजनर को खिलाया जाता है, अगर उससे भी कम कैलोरी का खाना कोई इंडिविजुअल खा रहा है तो वो पुअर है. ठीक है, तो बेंचमार्क मतलब आप कह सकते हो कि किसको लेके बनाया दादाभाई नौरोजी ने, सो दैट वाज प्रिजनर का जो मेन्यू होता है, एक जेल में जो एक प्रिजनर है वो जो खाना खाता है. ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने पुअर्टी को डिफाइन किया या पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया दादाभाई नौरोजी ने. अंडरस्टूड? ओके. क्वेश्चन नंबर 11 सेज इन इंडिया एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू. इंडिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो मेजर होती है विद रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस में वो मेजर होती है? ठीक है, तो वो मेजर होती है पॉवर्टी लाइन के. किसके मेजर, किसके थ्रू मेजर होती है? ओके, सो दैट इज मेजर इन रेफरेंस विद द पॉवर्टी लाइन. ओके, सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11. कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज इन इंडिया एज पर द लेटेस्ट इंडेक्स, विच इज लेटेस्ट सेंसस, विच इज 2011. ठीक है, 2011 का जो हमारे पास सेंसस है उसके अकॉर्डिंगली हमें बताना है कि कितनी परसेंटेज जो है इंडिया में लोगों की वो पॉवर्टी लाइन से बिलो रहती है. ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज 22. इनफैक्ट मोर अप्रोप्रिएटली इट इज 21.9%. ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 22% और 21.9% मोर स्पेसिफिकली. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट पॉवर्टी अक्रॉस इंडिया अकॉर्डिंग टू एमपीआई. एमपीआई इज वॉट? इट इज मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स. ठीक है, मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स जो है
उसके अकॉर्डिंगली सबसे कम पॉवर्टी या जीरो पॉवर्टी आप कह सकते हो किस डिस्ट्रिक्ट में है. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी विच इज कोटायाम. ठीक है, कोटायाम इज इन केरला. केरला में ये कोटायाम है. ठीक है, कोटायाम में सबसे कम पॉवर्टी है थ्रू आउट इंडिया. अगर मैं बात करूँ सबसे कम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको केरला में मिलेगी और इसका ही डिस्ट्रिक्ट है कोटायाम, जहाँ पे जीरो पॉवर्टी या सबसे कम पॉवर्टी जो है वो है. इट इज़ दी ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ठीक है, जहाँ पे आपको जीरो पॉवर्टी मिलेगी कोटायाम में. ओके, बाकी एर्नाकुलम, कोझीकोड, कन्नौर आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस प्लेसेस हैं केरला के, विजिटिंग प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं इनफैक्ट. ठीक है, तो इनमें भी पॉवर्टी, इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी पॉवर्टी काफ़ी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टॉपर, जो आप कह सकते हो टॉपर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पॉवर्टी है ही नहीं, नामात्र की पॉवर्टी है, दैट इज़ कोटायाम विच इज़ इन केरला. ओके, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री टू आइडेंटिफाई बीपीएल फैमिलीज इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, अर्बन एरियाज की अगर मैं बात करती हूँ तो कौन से मिनिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को ढूंढने में, ठीक है, को आइडेंटिफाई करने में. ओके, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी विच इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिवेशन. ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी, आपको नाम से ही खैर पता चल जाएगा इनको देख के. तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिवेशन जो है, मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई बीपीएल फैमिलीज इन अर्बन एरियाज. ओके, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज एसोसिएटेड विद फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस टू द पुअर. ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कि किसके साथ डील करता है, फूड सिक्योरिटी के साथ डील करता है और न्यूट्रिशनल के साथ, न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ डील करता है ऑफ द पुअर. ओके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस जिसको कहते हैं ये भी है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम ये भी है स्कीम, ये भी है मिड डे मील स्कीम, ये भी है. सो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं ये एसोसिएटेड है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल स्टेटस टू द पुअर के साथ. ओके, आई एम क्लियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 सेज एब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है उसका क्या मतलब है. ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट. ठीक है, मतलब कि जहां पे हमें पता चले एब्सोल्यूट टर्म्स में. ओके, एब्सोल्यूट टर्म्स में मतलब एक परफेक्ट टर्म हमें जहां पे मिले, हमें एक एब्सोल्यूट टर्म मिले, दैट इज पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट. जहाँ पे बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट हो, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या रखी गई थी, 2100 कैलोरीज एंड 2400 कैलोरीज पर डे. 2100 कैलोरीज पर डे फॉर अर्बन, ठीक है, एंड 2400 कैलोरीज फॉर रूरल. ओके, सो ये चीज आपने याद रखनी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 17, when number of poor is estimated as the proportion of people below poverty line, it is called. मैंने आपको ये पहले भी क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में आई गेस मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उसको क्या बोलेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन बोलेंगे, बीपीएल बोलेंगे, एबो पॉवर्टी लाइन बोलेंगे, हेड काउंट रेशो बोलेंगे या पॉवर्टी इंडेक्स बोलेंगे. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी विच इज हेड काउंट रेशो, विच इज हेड काउंट रेशो. हेड काउंट रेशो क्या होती है, मैंने पहले भी बताया आपको, तीन चार बार रिपीट किया था, फिर से बता देती हूँ. हेड काउंट रेशो ऐसी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की वो परसेंटेज या पॉपुलेशन की वो प्रोपोर्शन जो कि एग्जिस्ट करती है, जो कि रहती है बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी थ्रेशोल्ड. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 18 सेज व्हेन वाज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च्ड. ठीक है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये कब लॉन्च किया गया था, तो दिस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2004. ठीक है, 2004 मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये प्रोग्राम आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये प्रोग्राम आता है. ओके, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेंडुलकर कमेटी. इनमें से टेंडुलकर कमेटी के लिए क्या ट्रू नहीं है. ओके, तो देखिए टेंडुलकर कमेटी की चलिए बात करते हैं, देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं. नॉट ट्रू बताना है टेंडुलकर कमेटी के लिए. ठीक है, टेंडुलकर कमेटी वॉज चेयर्ड बाय सुरेश टेंडुलकर इन द ईयर 2009. ये बिल्कुल सही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो टेंडुलकर कमेटी जो है ये सुरेश टेंडुलकर ने चेयर की थी. ठीक है, प्लानिंग कमीशन ने ये कमेटी बनाई थी. ओके, मेथोडोलॉजी वगैरह रिव्यू करने के लिए पॉवर्टी एस्टिमेशन की. ओके, और जो भी इससे पहले की जो स्कीम्स थी उनमें जो शॉर्टकमिंग्स थी उनको ओवरकम करने के लिए. तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम कैलोरी कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन टू कंजप्शन ऑफ द आइटम्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा. तो ये भी सही है. ठीक है, टेंडुलकर कमेटी में जो है क्या किया गया था,
जो इससे पहले वाली जो कमेटीज थी, तेंडुलकर कमेटी, देखिए तेंडुलकर कमेटी जो है 2009 में आई थी, सुरेश तेंडुलकर इसके हेड थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इस कमेटी ने क्या किया, जो प्रीवियस कमेटीज, जो इससे पहले की जो कमेटीज आई थी, उन्होंने थोड़ा ऑब्सलीट कंजप्शन पैटर्न चुना था, इसमें इन्होंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया कैलोरी कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेशन से कंजप्शन ऑफ द आइटम्स पे, जैसे कि सीरियल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पल्सेज हैं, मिल्क है, एडिबल ऑयल है, ठीक है, इनफैक्ट स्पाइसेस, फ्यूल, फुटवेयर और एजुकेशन को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो इस कमेटी ने क्या किया, एक नई पॉवर्टी लाइन जो है वो डिफाइन की थी, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन वॉज डिफाइंड एज ₹47 पर डे पर पर्सन फॉर अर्बन एरियाज एंड फॉर रूरल एरियाज इट इज ₹32 पर डे पर पर्सन, तो ये गलत है। सो सी इज द राइट आंसर, नॉट ट्रू बताना है ना, सो सी इज द राइट आंसर। इट यूजेस मिक्सड रिकॉल पीरियड मेथड, येस दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो पॉवर्टी लाइन है उसको डिफाइन किया गया ₹47 पर डे पर पर्सन, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली 47 की जगह आएगा, बाकी पूरी सेंटेंस ठीक है 32। तो तेंडुलकर कमेटी ने कहा था कि ₹32 पर डे पर पर्सन अर्बन एरिया में कमाना चाहिए, ठीक है, और ये 32 नहीं था, ये 26 था, ये क्या था 26। तो बस ये रेक्टिफाई आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर द तेंडुलकर कमेटी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सेकेंड, ओके। नहीं, ये देखिए, ये आप इसको एक करेक्शन आप कर लीजिए, जो तेंडुलकर कमेटी है ना, हाँ, इसका आंसर तो सी ही है, ओके, बट इसमें क्या आएगा, पॉवर्टी लाइन वॉज डिफाइंड एज ₹47 पर डे पर पर्सन फॉर अर्बन एरियाज नहीं आएगा, इट इज ₹33 पर पर्सन फॉर अर्बन एरियाज, 47 की जगह क्या आएगा 33, ठीक है, 33 पर डे पर पर्सन, और ठीक है वहां मैंने 32 बोला, इट इज 33 एंड दिस इज ₹27, दिस इज ₹27, ठीक है। तो एक एक रुपये इसके बढ़ा लीजिए, इसमें भी ₹1 बढ़ा लीजिए, जो मैंने पहले बताया इसमें 32 बोला था, इट इज 33, ठीक है, तो इट इज 33 एंड ₹27, ओके, ऑलराइट। बाकी इट यूज मिक्सड रिकॉल पीरियड, सो दिस इज करेक्ट, इट यूज्ड मिक्सड रिकॉल पीरियड, ओके, सो सी इज द राइट आंसर। चलिए, कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 20 इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लगदा वाला कमेटी। अब लगदा वाला कमेटी जो है इसके लिए क्या ट्रू नहीं था, ठीक है, इसके लिए क्या ट्रू नहीं है, ओके, अच्छा चलिए लगदा वाला कमेटी देखते हैं। तो लगदा वाला कमेटी जो है, अप टिल 2011 द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस वर एंटायरली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ लगदा वाला कमेटी ऑफ 1993, यस दिस इज ट्रू। द पीपल कंज्यूमिंग लेस देन 2100 कैलोरीज इन द अर्बन एरियाज एंड लेस देन 2400 कैलोरीज इन द रूरल एरियाज आर कंसीडर्ड पुअर, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दिस कैलोरीज कंजप्शन वॉर डिराइव फ्रॉम दांदेकर एंड रथ कमेटी ऑफ 1971, नो दिस इज रॉन्ग, सो सी इज द राइट आंसर विच इज नॉट ट्रू। इट यूजेज यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड एज मेथड ऑफ मेजरमेंट, येस दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए, अगर मैं लगदा वाला कमेटी की बात करूँ, तो जो लगदा वाला कमेटी है ये जो है इसने अपने प्रपोजल रखा था 1993 में, तो ये करेक्ट है 1993 में, ठीक है। और तेंडुलकर कमेटी जो हमने पहले क्वेश्चन में देखी वो 2009 में आई थी, तो ये उससे पहले आई हुई है, लगदा वाला कमेटी 1993 में आई हुई है, ठीक है। तो लगदा वाला कमेटी ने ये कहा था, जो मैंने आपको 2400 2100 जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 2400 इज़ फॉर द रूरल एरियाज, 2100 कैलोरीज इज़ फॉर द अर्बन एरियाज, ठीक है। तो ये सारा हमने कहाँ डिस्कस किया था, लगदा वाला कमेटी में डिस्कस किया था, ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये जो यहाँ पे जो सी ऑप्शन गलत हो रहा है, ये वाला, दिस कैलोरीज कंजप्शन वर डिराइव फ्रॉम द दांदेकर एंड रथ कमेटी ऑफ 1971, नो, जबकि दिस कैलोरीज कंजप्शन वर डिराइव फ्रॉम द वाई के अलग कमेटी। ये कहाँ से डिराइव किया था इसने, ये जो कंजप्शन पैटर्न है, ये जो कैलोरीज कंजप्शन है, वाई के अलग कमेटी से, ठीक है, कहाँ से, वाई के अलग कमेटी। देखो, मैं आपको कमेटीज का थोड़ा सा बता दूँ, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि प्लानिंग कमीशन का एक्सपर्ट ग्रुप बना था 1962 में, ये मैंने पहले भी डिफाइन किया था आपको, ठीक है। पहले फिलहाल आप इसका देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मैं कमेटीज की बात करूँ, 1970, अच्छा, ये जो दांदेकर और रथ कमेटी है ये आई थी 1971 में, कौन सी, दांदेकर एंड रथ कमेटी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी अलग कमेटी, ठीक है, अलग कमेटी जो है, अलग कमेटी, वाई की अलग कमेटी आई ही 1979 में, इनके ईयर्स भी याद रखना, कोई पता नहीं क्रोनोलॉजी भी पूछ सकते हैं इन कमेटीज की। तो 1979 में आई थी अलग कमेटी, ठीक है। इसमें अलग कमेटी ने क्या कहा था कि जो लोग
2100 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, ठीक है, और 2400 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहे हैं रूरल एरियाज में, उनको पुअर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो यही आगे फिर लगदा वाला कमेटी जो है उसने आगे, लगदा वाला कमेटी जो 1993 में, उसने अलग कमेटी की ही एक एक इस फीचर को जो है अपनाया, ठीक है। ओके, 1979 में अलग कमेटी आ गई, फिर आई लगदा वाला कमेटी। लगदा वाला कमेटी आती है 1993 में, ठीक है। लगदा वाला कमेटी के बाद आती है टेंडुलकर कमेटी 2009 में, टेंडुलकर कमेटी आ जाती है 2009 में, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी के बाद आती है रंजन, ठीक है, रंगाराजन कमेटी। कौन सी कमेटी? रंगाराजन कमेटी। रंगाराजन कमेटी आती है 2013-14 में, ठीक है। 2013-14 में आ जाती है रंगाराजन कमेटी, ठीक है। दिस इज द लास्ट कमेटी जो हमने इसमें करनी है पॉवर्टी में, ओके। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको पहले ओके इस क्वेश्चन में ये जो मैंने सेंटेंस रखा था ना, ₹47 पर डे पर पर्सन और ₹32 पर डे पर पर्सन, ये मैंने लिया है पॉइंट रंगाराजन कमेटी से। तो ये बेसिकली रंगाराजन कमेटी 2013-14 में रंगाराजन कमेटी आई थी, तो रंगाराजन कमेटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इन्होंने पॉवर्टी लाइन जो है ये 47 और 32 डिस्कस किया था, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये रंगाराजन कमेटी का बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के ऊपर हमने ये अभी MCQs डिस्कस किए हैं, एंड सो आई विल बी मीटिंग यू विद यू वेरी सून। अभी हम जो है MCQs जो है नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इकोनॉमी पे ऑफ JKPSS सिलेबस डिस्कस करेंगे। So this is all about today's session. I'll see you very soon in the next session. Till then, take care. Bye-bye. Keep revising.